वैशाली जिले के हरिलोचनपुर थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने पहुंचे चोर ने महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद बिना चोरी किए मौके से चोर फरार हो गया। चोर ने गृह स्वामिनी को ही अपने हवस का शिकार बना लिया है। वहीं अज्ञात चोर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मौके पर स्थानीय थाना की पुलिस और महुआ एसडीपीओ पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लग गई है। महिला को पुलिस ने मेडिकल के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में लेकर पहुंची, जहां पर मेडिकल जांच के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। अज्ञात चोर की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बताया गया है कि चोर आधी रात को घर में घुसकर चोरी कर रहा था, लेकिन घर में चोर को कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिसके बाद चोर ने महिला के पैर हाथ को बांध कर अपने हवस का शिकार महिला को बना लिया और मौके से फरार हो गया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, तो देखिए इस मामले में क्या कहते हैं वैशाली एसपी हरकिशोर राय। हरिलोचनपुर थाने में आज सुबह में एक मामला प्रतिवेदित हुआ, जिसमें कि एक महिला द्वारा यह कंप्लेन किया गया कि उसके घर में रात्रि में घुस करके एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। उसमें एसडीपीओ महुआ को घटनास्थल पर भेजा गया। एफएसएल की टीम भी वहां गई हुई है। जांच जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसमें की जा रही है। उनका मेडिकल करवाया जाएगा, उनका बयान कोर्ट में करवाया जाएगा, वो लीगल प्रोसेस आगे किया जाएगा। एग्जैक्ट जो है वो आगे जाँच होने पर ही इसके संबंध में स्पष्ट जो है वो आप लोग को आरोप लगाया जाए कि चोरी करने के नियत से गया था और उसमें साथ में बलात्कार भी किया गया। एक व्यक्ति की ही बात बताई जाए कि एक व्यक्ति अकेले घर में प्रवेश किया था चोरी करने के नियत से और उसके द्वारा बलात्कार किया।